ये नाज़रीन सारी आवाम जो है ना बिल्कुल पनाहगाह के बिल्कुल सामने है, ये सारे फुटपाथ पे सो रहे हैं, वहाँ भी रह सकते हैं, वहाँ रहना एंट्री वगैरह इजी है। हाँ जी जी, सुना है कि शनाख्ती कार्ड के बगैर, हाँ शनाख्ती कार्ड के बगैर अंदर नहीं है। पनाहगाह के आप मुतमईन है इसकी इंतजामिया से? इसके इंतजाम नहीं अभी नहीं है, वो जो सिक्योरिटी गार्ड है और जो इसके अंदर खाना खिलाने वाले हैं वो रोटी बेचते हैं। हमने 3-4 दफ़ा लड़कों को पकड़ा है, पराठे भी बेचते हैं और रोटियां भी बेचते हैं। मुर्गा पकता है या कट्टा पकता है ना, वो बोटियां उठा के ना अपनी अपनी वो डोंगे भर के रख लेते हैं और थोड़ा थोड़ा सालन देते हैं मजदूरों को। वो हमारे जैसे जो मजदूर हैं जो जिनका इधर घर नहीं है उनको वो ये बोलते हैं जगह नहीं है। जब इमरान खान था ना तब तो विज़िट होता था, अब वो निगरान हुकूमत है तो कोई विज़िट नहीं आता, लेकिन इनका असूल और तरीका जो बदतमीजी बहुत करते हैं। किसी भी प्लान का क्यों भली हमारे को नहीं चाहिए, ऐसी गाली नहीं दे ठीक है। मैंने तुमसे ये पूछा है, ये उधर पर आता है, ये आपके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा, खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन इस वक्त मैं दाता की नगरी में मौजूद हूँ, बिल्कुल सामने जो है मेरे लेफ्ट साइड पे पनाहगाह है और इस वक्त मेरे राइट साइड पे जो है दाता दरबार है और यहाँ पर बीच पे जो फुटपाथ है यहाँ पर आवाम जो है सर्दी में ठटर रही है और रह रही है। पनाहगाह भी है उसके बावजूद लोग आवाम यहाँ पर रह रही है, क्यों रह रही है, अवामी तासुरात आपको बताते हैं इस वक्त किस तरह की मुश्किलात का सामना है। क्या ये पनाहगाहें सिर्फ खूबसूरती के लिए या सिर्फ दिखावे के लिए या फिर बताने के लिए कि आवाम के बारे में कुछ ऐसे कानून बनाए गए या कुछ ऐसा लाए अमल सोचा गया जो सिर्फ अवामी है, तो अवाम के तासुरात पूछते हैं, अवाम की आवाम का दुख पूछते हैं। चलिए मेरे साथ। ये नाज़रीन सारी आवाम जो है ना बिल्कुल पनाहगाह के बिल्कुल सामने है, ये सारे फुटपाथ पे सो रहे हैं और बात करोगे, बात सुनो, कहाँ से आए हो? मेरा घर बार कोई नहीं जी। वही कहाँ या फुटपाथ पे रहते हो? आज ये पहला दिन आज ये मेरा घर पर। तो इधर पनाहगाह नहीं गए? वैसे तारे सामने जी मैं गए नहीं हो या उन्होंने आने नहीं दिया? नहीं वो मैंने करो कर देता उन्होंने करो कर, घर वालों ने निकाल दिया। आज वो कहने तू नहीं साडा मैंने करो कर दे। शादीशुदा? नहीं शादीशुदा कितों जी, वो करो कर देता मैंने उन्होंने। नाज़रीन इसका आज पहला दिन है और ये घर वालों ने इसको बेदखल कर दिया है और यहाँ पे बेतहाशा आवाम है। ये देखे किसी ने बैग लटकाया हुआ है, किसी ने बैग सर के नीचे, किसी ने गठड़ी और कोई कंबल, कोई खेस, कोई किस तरह, क्योंकि इस लाहौर में ऑलमोस्ट सर्दी आ चुकी है और इस सर्दी को मलूज़े खातिर रखते हुए लोगों ने अपना थोड़ा बहुत इंतज़ाम किया। लेकिन उनकी हिम्मत जो है पनाहगाह के सामने तो लेटे हुए पनाहगाह में जाने की नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कहाँ से आए हो? डिस्ट्रिक्ट नारोवाल। नारोवाल यहाँ पे रह रहे हो कितने दिनों से? काफ़ी देर के हैं हम इधर। काफ़ी देर के, एक आपका मेहमान उठ गया जी? उठ गया। देखें ये अल्लाह ताला का निज़ाम है सारा और नूरी खुदा की इजाज़त है। अच्छा मुझे ये बताया सर्दी आ गई है लाहौर में? जी जी जी। पनाहगाह के बिल्कुल सामने डेरा लगाया? जी जी। ठंड कवर हो जाती है? अल्लाह के फजल से हो जाती है, हो जाती है। लेकिन पनाहगाहें क्यों बनाई गई? ये देखें बनाई गई हैं लोगों की हेल्प के लिए, लोगों की सहूलत के लिए, लोगों की रहाइश के लिए। लोगों ऐसे लोग जो कहीं और से आए हैं वो उनके लिए एक छत है ये। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं रहते? वहाँ भी रह सकते हैं, वहाँ रहना एंट्री वगैरह ईजी है? हाँ जी जी। सुना है कि शनाख्ती कार्ड के बगैर? हाँ शनाख्ती कार्ड के बगैर अंदर नहीं है। टाइम टेबल का हिसाब? हाँ टाइम टेबल का हिसाब का। जो लोग सारी रात मजदूरी करते हैं या दिन में 3 बजे 4 बजे वापसी, वो कैसे? वो आते हैं और 6 बजे अंदर इन होते हैं, सुबह 6 बजे बाहर। इंतजाम सही है, मुतमईन है? हाँ जी, यहाँ खाना भी मिलता है, चाय भी मिलती है अंदर। फिर रहते क्यों नहीं है, फिर इस सहूलत को अवेल क्यों नहीं करते? कुछ है, सभी कुछ है, लेकिन हम लोग आज के नहीं, यहाँ दादा साहब के गुलाम, पुराने गुलाम हैं। बाहर रहना आप मुनासिब समझ? बिल्कुल। आपको यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम? दिक्कत प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद रमजान है। मोहम्मद रमजान, यहाँ के रिहायशी? नहीं मैं दूर से आया हूँ। दूर से आए हैं, कहाँ रहते हैं आप? मैं पाक पतन शरीफ में रहता हूँ। यहाँ पे लाहौर कहाँ रहते हैं?
मैं मजदूरी करता हूँ और इधर नागा में भी सो जाता हूँ जब दिहाड़ी नहीं लगती। अभी मैं काम पे आया हूँ, काम करके आया हूँ। काम करके आए हैं पनागा के? आप मुतमईन है इसकी इंतजामिया से? इसके इंतजाम नहीं, अभी नहीं है। अभी जो है ना वो दो रोटियां देते हैं, छोटी वाली दो रोटियां देते हैं, और सारे जो है ना वो जो सिक्योरिटी गार्ड है और जो इसके अंदर खाना खिलाने वाले हैं वो रोटी बेचते हैं। हमने 3-4 दफ़ा लड़कों को पकड़ा है, पराठे भी बेचते हैं और रोटियाँ भी बेचते हैं। तो इसके क्या, वो जो मुर्गा पकता है या कट्टा पकता है ना, वो बोटियाँ उठा के ना अपनी अपनी वो डोंगे भर के रख लेते हैं और थोड़ा थोड़ा सालन देते हैं मजदूरों को। यानी कि इंतजाम सही नहीं है। तो एंट्री किस टाइम होती है और फिर इसके क्या असूल और जवाबित हैं, क्या है इसमें? इसकी ना 5:30 बजे होती है शुरू, और जो इनके ना इन्होंने अपने बंदे रखे हुए हैं वो ये समझ लो कि वो कोई महीना देते हैं या इनको लालच देते हैं, वो बगैर एंट्री के लड़के आगे सोते हैं। वो हमारे जैसे जो मजदूर हैं जो जिनका इधर घर नहीं है उनको वो ये बोलते हैं जगह नहीं है चले जाएं, आप 3 दिन सोएं 15 दिन के बाद आएं। तो कुछ ऐसे लड़के हैं जो 2-2 महीने से सो रहे हैं, और जब इमरान खान था ना तब तो विज़िट होता था, अब वो निगरान हुकूमत है तो कोई विज़िट नहीं आता, ना मीडिया का बंदा अंदर जाने देते हैं ना विज़िट होता है। तो अंदर उसके लिए क्या क्या इनको कोई पैसे देने पड़ते हैं? एंट्री फीस है, कुछ है? कुछ भी नहीं है, पैसे आईडी कार्ड देना पड़ता है। हाँ, आईडी कार्ड देना पड़ता है, और उसके अलावा यानी कि ओरिजिनल आईडी कार्ड हो, वो फोटो कापी भी कभी कभी लेते हैं कभी नहीं लेते, और कोई चीज़ नशे के अंदर नहीं जाने देते, वो तो ठीक है, लेकिन इनका असूल और तरीका जो बदतमीजी बहुत करते हैं। किसी भी प्लान का क्यों भली हमारे को नहीं चाहिए, ऐसी गाली नहीं दे, ठीक है? मैंने तुमसे ये पूछा है, ये उधर पर आता है, ये आपके जब इमरान खा था ना तो दूसरे तीसरे दिन बाद ना विजिट होता था, वो कोई MA ना आ जाता था PTIA का कि आपको कोई परेशानी है, तो तब ना ये लोग ना बड़ा अच्छा सलूक करते थे हमारे साथ, एंट्री भी करते थे और रैश और बिस्तरे भी अच्छे देते थे साफ सुथरे। आप यानी मुतमईन है ना, ये एक ऐसा मजदूर है जो दूसरे शहर से आया है और आके जो है यहाँ पर मजदूरी करते दिन में, लेकिन उसने कहा जी यहाँ के इंतजामिया ऐसे है कि कोई अच्छा खाना पीना हो तो ये हमें नहीं देते, ये आपस में ही बांट लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी आतिफ भाई, आज हमने कहा कि क्यों ना हम ऐसी आवाम के मसाइल को उजागर करें, जो अब ठंड आ गई है बड़ी अच्छी खासी लाहौर में, पनागा होने के बावजूद ये वही साहब है कि भूखे के सामने खाना होने के बावजूद वो खाना भी नहीं खा सकता, तो ये जुल्म नहीं है? यहाँ पर सारी आवाम सर्दी से ठठर रही है, अपना अपना अपने उन्होंने अपने इंतजाम खुद किए जितनी उनकी हिम्मत हुई, अब आवाम के तासुरात सुने के अंदर इंतजाम ना होने के बराबर है, खाना पीना नाकिस, हर चीज़ नाकिस, इस हवाले से आपकी मालूमात क्या कहती है? मेरी तो मालूमात यही कहती है कि जो इधर की आवाम है ना, ठीक है, पहली बात तो ये है कि उन्होंने पूरे 6 बजे का टाइम दिया हुआ है, 5:30 का, ठीक है, 5:30 कर दिया, लेकिन 5:30-6 बजे तक जितने अंदर जाने हैं उतने अंदर है ना, हालांकि ज़्यादातर ये गवर्नमेंट की तरफ ये है कि इसके बेड मुकम्मल होने चाहिए, इसमें अंदर चले जाएंगे ज्यादा बेड हाल ही मिलेंगे आपको। वो कहते हैं जो 3 दिन एक बंदा सो जाता है उसको कहते हैं 15 दिन बाद तुमने दोबारा आना है, अभी तुम नहीं आ सकते। वो ठीक है उनकी बात, वो बात बिल्कुल ठीक है, और एक ये है, ठीक है, एक जो पनागा के अंदर खाना खिलाते हैं ना वो पराठे बेचते हुए हमने होटल पे पकड़े हैं, वो सरकारी खाते में ये है कि ये मुसाफिरों को दे, मुसाफिरों को एक पराठा देते हैं और 50-150 पराठा आता है, उस इंतजामिया जो इसके अंदर वर्कर काम करते हैं उनके अलग आते हैं, और जो लेडीज आती हैं ना सोने के लिए रैश के लिए फैमिली, उनके भी पराठे आते हैं, तो सारे बेचते हैं, सारे बेचते हैं, कभी 60-70 और गर्मियों में ना 50-60 आदमी सोते हैं इधर, और गर्मियों में ये सारा पराठा बेचते हैं और रोटियां भी बेचते हैं। ये इनकी बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने भी जो ये मांगते हैं कि हमने बोला हमने तुम्हारी शिकायत करेंगे तो आगे से वो तड़ियां लगाते हैं, हम तुम्हारी एंट्री नहीं करेंगे, अगर शिकायत लगानी तो लगा लो, फिर वो माफिया मांग के जब जाते हैं हम। दिवालिया कानून वही है कि कोई सच बोलना चाहते हैं तो उसको लगा, काम ये जा रहा है। पहले तो इनका टाइम टेबल गलत है, ठीक है, टाइम टेबल की वजह से सारे मामला इनके ख़राब है, और अब जितनी आवाम ये बाहर है तो वो आईडी कार्ड मांगते हैं, लेकिन आवाम के पास आईडी कार्ड है ही कोई नहीं है, क्योंकि ये जितनी एक सवाल है जितनी आवाम है ना, ये जितनी आवाम है
100 में से 10 के पास आईडी कार्ड निकलेगा, बगैर 90 के पास आईडी कार्ड नहीं होगा। हर बंदे को बहाना। वो जो गरीब बंदा है जो मजदूरी कर रहा है, कुछ लोग रात की मजदूरी करते हैं, ये देखा नहीं यहाँ पे शालमी में सारा सामान रात को लोड होता है, मजदूर ज्यादातर रात को करते हैं, वो अगर रात में काम करते 5:30-6 बजे कैसे एंट्री? यही तो मैं कह रही हूँ, इनका जो टाइम टेबल है ना वो गलत है। अगर 6 बजे का टाइम दिया हुआ है ना, 6 बजे का टाइम दिया हुआ है, इन्हें चाहिए कि इसके जितने बेड हैं वो तो मुकम्मल करें, ये बेड ही मुकम्मल नहीं करते। जितने वहाँ में ज़्यादा बेड इधर खाली होते हैं, और जितना उनका जो खाने पीने का जो निज़ाम होता है, जितना खाने पीने का वो निज़ाम होता है ना, ठीक है, जितना खाने पीने का निज़ाम वो बेचा जाता है बाहर, वैसे ही बेचा जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर 150 इधर बेड लगा हुआ है ना, 150 बेड लगा हुआ है, अगर उसमें 50 लोगों का ही खाना, 150 लोगों का इधर खाना पक्का लगा हुआ है, ठीक है, इसमें 50 अगर बेड लगे, 100 बंदे होंगे उनका खाना आगे बेचा जाएगा। इसको आगे एंट्री करने वाले हैं जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनका खाना लैदा आता है, और फैमिली जो होती है उनका खाना लैदा आता है, कभी कभी फैमिली एक भी नहीं आती, उनका खाना प्रॉपर आता है। सच भी आपको दिखाना था कि यहाँ की आवाम जो कि बाहर से आती है दाता की नगरी में, मुसाफिर होते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूर होते हैं, वो कहते हैं जी दाता की नगरी में कोई भूखा नहीं। नो डाउट कि यहाँ जो भी आता है वो भूखा नहीं रहता, लेकिन इंतज़ामिया जो पनाहगाह है वो किसके लिए बनाई गई है? पनाह का मतलब है यहाँ पर रह सकते हैं, मुसाफिर रह सकते हैं, वो ज़रूरतमंद या वो जो बेयारो मददगार हैं जिनके छत नहीं है या जो जिनकी रिहाइश नहीं है, ये उनके लिए, उनकी सहूलत के लिए बनाई गई। लेकिन अंदर के इंतज़ामिया का के बारे में जो कि अंदर का अहवाल उस शख्स ने बताया जो अंदर रहता है और मालूम आपको दी, उम्मीद करती हूँ कि ये भी एक केस सामने आया है, होश के नाखून लें और इस केस के हवाले से अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और सजेशन दीजिएगा हुकूमत के लिए भी क्या होना चाहिए, अगला लाए अमल क्या होना चाहिए। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में, फी अमानिल्लाह।